हाय गाइस, ये स्टैंडर्ड बॉडी मेजरमेंट चार्ट है, आप लोग ये फॉलो कर सकते हैं। और मैं यहाँ 1 साल के बच्चे का ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ, और आप चाहें तो कस्टम डिज़ाइन भी कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे अपनी शीट पे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी वेस्ट लेंथ को ड्रॉ करेंगे, जो है हमारी 7.5 इंचेस। अब हमारी जो शोल्डर है वो है 8.5 इंचेस, और मुझे इसका हाफ़ लेना है। तो जो 8.5 इंचेस का हाफ़ होता है वो होता है 4.25। अब मैं नेक विड्थ मार्क करूँगी इधर, और इस केस में नेक विड्थ है हमारी 2 इंचेस। तो मैंने यहाँ 2 इंचेस मार्क कर लिया है। अब मैं अपने शोल्डर से 0.25 इंचेस आऊँगी नीचे, शोल्डर स्लोप बनाने के लिए। गाइज, आप 1/2 इंचेस भी नीचे आ सकते हैं, बट मुझे पर्सनली लगता है 1/2 इंच काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एक छोटे बच्चे के लिए। बट अगर आप 3 साल की बच्ची का फ्रॉक बना रहे हैं या ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो उसमें आप 1/2 इंचेस का स्लोप ले सकते हैं। यहाँ मैं 0.25 इंचेस मार्क कर रही हूँ, और अब मैं अपने नेक विड्थ और इसको जॉइन कर दूंगी शोल्डर को। गाइस, पैटर्न अगर सही से बन जाएगा तो कटिंग स्टिचिंग में बहुत आसानी होगी। अगर पैटर्न खराब हो गया तो फिर हमें स्टिचिंग में काफ़ी चीज़ें सॉल्व आउट करनी पड़ती हैं, तो इसलिए पैटर्न काफ़ी देखकर बनाएं। अब हम शोल्डर से अपनी आर्म होल लेंथ बनाएंगे, और इस केस में हमारी आर्म होल लेंथ है 3.75 इंचेस। तो मैं यहाँ मार्क करूँगी अपना 3.56। ओके, तो ये है मेरा 3.75 इंचेस। अब मैं ये लाइन स्ट्रेट जॉइन कर दूँगी। अब 3.75 नीचे आने के बाद हम लेंगे हमारा 1/4 ऑफ बस्ट चेस्ट। तो हमारे इस केस में चेस्ट है 20 इंचेस, हमारा 20 इंचेस चेस्ट है। तो मैं इसका 20 इंचेस में, गाइस मैं 1.5 इंच की लूजिंग दे रही हूँ, सॉरी मैं 2 इंचेस का लूजिंग दे रही हूँ। वैसे गाइस आप जनरली 1.5 इंचेस का लूजिंग दे, यहाँ मैं 2 इंचेस का लूजिंग इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं बैक में प्लैकेट बनाने वाली हूँ जो फ्रॉक मैं बनाऊँगी फ्यूचर में, तो इसलिए मैं यहाँ 2 इंचेस का लूजिंग दे रही हूँ। तो 20 में मैं प्लस करूँगी 2 इंचेस अपने लूजिंग के लिए, तो हमारा आ गया ये 22। अब 22 को मुझे 4 से डिवाइड करना है। मैं मैथ्स में काफ़ी वीक हूँ, तो मुझे 2 मिनट लगेंगे करने में। ओके, तो ये हमारा 5.5 इंचेस। तो मैं मार्क कर लूँगी अब इधर 5.5 इंचेस। तो ये आ रहा है हमारा, ये मैंने मार्क कर लिया है। गाइज, इवन हमारी वेस्ट भी 20 इंचेस ही है, छोटे बच्चों के केस में ज़्यादातर खास फ़र्क नहीं होता है बस्ट और वेस्ट में। तो मैंने यहाँ पर भी सेम 2 इंचेस की लूजिंग लूँगी, तो 22 इंचेस, और 22 को मैं 4 से डिवाइड कर लूँगी क्योंकि हम ये 1/4 भाग बना रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पर भी मैं सेम मार्क कर लूँगी अपना 5.5 इंचेस। अब ये 5.5 मार्क करने के बाद मैं ये स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी। हमारा आर्म होल का मिड पॉइंट निकालेंगे हम, और हमारा आर्म होल है 3.75 इंचेस, और इसका मिड है 1.8, तो मैं 1.8 मार्क कर लूँगी। गाइज, अब हम मिड पॉइंट से 0.25 इंचेस इनवर्ड्स जाएंगे। अब मैं पहले बैक का कर्व बनाऊँगी। कर्व के लिए गाइज मैं पहले पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको पेन से डार्क करके दिखा दूँगी। ये है हमारा बैक का कर्व, इसे हम मिड पॉइंट से ही ले लेते हैं। बच्चों के केस में काफ़ी खड़ा कर्व बनता है, और साथ ही कर्व बनाते हुए आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी होती है कि एटलीस्ट आप 0.25 इंचेस तक तो इस चीज़ को स्ट्रेट ही रखें, ताकि जब आप कटिंग करें तो ये कॉन्टिन्यूस आए, ना कि कुछ ऐसा यहाँ पर कटिंग करने के बाद एक अजीब सा कर्व बने या कुछ। तो ये है हमारा बैक का कर्व। अब मैं फ्रंट का कर्व बनाऊँगी।
फ्रंट के कर्व के लिए पहले आप एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, उसके बाद इसे कर्व करेंगे। आपकी विश है आप फ्रेंच कर्व यूज़ करना चाहते हैं यानी, तो ये हमारा कर्व बना है। अब हम अपनी नेक लाइन बनाएंगे। गाइज मेरी फ्रंट नेक लाइन 3 इंचेस है और बैक नेक लाइन 2.5 इंचेस है, तो अकॉर्डिंगली हम मार्क लगा लेंगे और आप नेक लाइन अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। बस कभी भी फ्रंट नेक लाइन 3 इंचेस से ज़्यादा ना लें, 1 साल के बच्चे के केस में। फाइनली मार्किंग के बाद हम अकॉर्डिंगली कर्व बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पैटर्न रेडी हो जाएगा। अब हम अपने पैटर्न को कट करना स्टार्ट करेंगे।